बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने ढाका में प्रेस वार्ता में कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उधर ढाका में हालात बेकाबू हैं। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाल की अपील की है और कहा कि हम हालात में काबू ले आएंगे, भरोसा रखें। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर उतर गए। राजधानी में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं शेख हसीना ने पीएम आवास भी छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा में जानकारी के मुताबिक भारत में लाया गया है। अब एक और जहां भारत का ये पड़ोसी देश दंगे की आड़ में समाया है, तो वहीं इस देश के सालों तक प्रधानमंत्री रहने वाली शेख हसीना एक बार फिर चर्चा में आ गई। सबसे पहले जानते हैं कौन है शेख हसीना और कैसे उनकी राजनीति में एंट्री हुई। किसी वक्त बांग्लादेश की आयरन लेडी के नाम से मशहूर शेख हसीना को आज अपने ही मुल्क से जाना क्यों पड़ गया। 28 सितंबर 1947 को शेख हसीना का जन्म हुआ। ये वो वक्त था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। शेख हसीना उस शख्सियत की बेटी हैं जो बांग्लादेश के संस्थापक रहे, नाम शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में बीता। यहीं स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई। इसके कुछ वक्त बाद वो सेगुन बागीचा में रहीं। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शिफ्ट हो गया। सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि जिन्होंने बचपन में भारत से अलग बांग्लादेश बनते देखा, जिनके पिता बांग्लादेश के संस्थापक रहे, जिस महिला ने 5 बार देश के प्रधानमंत्री बनकर सेवा की, क्या वो शुरुआत से ही राजनीति में एंट्री करना चाहती थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। साल 1966 में जब वो एडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी, तब उनकी राजनीति में दिलचस्पी उठी। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वो वाइस प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग का काम संभालने का फैसला किया। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रही। शेख हसीना की जिंदगी में साल 1975 भूचाल की तरह आया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत की थी, उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। हथियारबंद लड़ाकों ने शेख हसीना की माँ, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी और किस्मत से वो बच गई। तो कहते हैं ना, जाकुरा किस्सा मार सके ना कोई। लेकिन परिवार की निर्मम हत्या ने शेख हसीना को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। परिजनों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ वक्त तक जर्मनी में रही। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। वो अपनी बहन के साथ दिल्ली आई और करीब 6 साल यहाँ रुकी। शेख हसीना साल 1981 में अपने वतन बांग्लादेश लौट आई। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग आए। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरी। हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो विपक्ष की नेता जरूर बन गई। फिर आया साल 1991। उस दौरान देश में एक तरीके से पहली बार स्वतंत्र तौर पर चुनाव हुए। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बहुमत नहीं मिला। उनकी विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आ गई। इसके बाद साल 1996 में फिर से चुनाव हुए। इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई और शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि 2001 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 में वो फिर से सत्ता में लौटी और तब से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। क्या आपको पता है कि शेख हसीना ने अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि 2 बार मौत को भी मात दी थी? पहली बार साल 1975 में और दूसरी बार साल 2004 में। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हुई तो देश से बाहर होने की वजह से संयोग से वो बच गईं। फिर साल 2004 में उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुई। इस हमले में 24 लोग मारे गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में छात्र संगठन सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसा इतनी भड़की कि 100 लोगों की जान चली गई। इस मामले में छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश भी छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।